हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपसे बात करेंगे धारिता की अभिधारणा के बारे में। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसको देखने से पहले कुछ बात करेंगे। यदि हमारे पास इस तरीके का कोई मग हो, इसमें क्या किया जाता है, मग में पानी भरा जाता है, तो हम इसमें पानी भरते जाएं, इसमें हम पानी भरें, इस तरीके से पानी भरें ऊपर से, ठीक है, तो क्या होगा, इस मग्घे में पानी धीरे धीरे भरता जाएगा, इस मग में पानी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो भरते भरते एक समय ऐसा आएगा तब इसमें से पानी पूरा फुल होने के बाद ये पानी बाहर फैलने लगेगा। ठीक है भाई, समझ गए। अब यहाँ कोई मग्घे बाल्टी पानी की तो बात चल नहीं रही, यहाँ पे बात किसकी चल रही, हम लोग पढ़ क्या रहे, चालक कुचालक परा वैद्युत वैद्युत छिद विभव, तो इन सब की बात चल रही, तो इसी को देखेंगे। अच्छा, यदि हमारे पास इस तरीके का कोई चालक पदार्थ है, किसी भी आकृति का हो, ठीक है, ये कोई चालक पदार्थ है, इसमें हम बाहर से आवेश दें, क्या दें, आवेश दें। अच्छा, तो हम जानते हैं कि चालक में जब आवेश दिया जाता है तो वो आवेश इसके सतह पे चार सभी दिशाओं में फैल जाता है एक समान रूप से, ये एक समान रूप से सभी दिशाओं में फैल गया। ठीक है, अच्छा, यदि हमारे पास कोई आवेश से चालक रखा हो चालक, तो उससे कुछ दूरी पर यदि कोई बिंदु पी है, उससे कुछ दूरी पर बिंदु पी है, तो इस पी बिंदु पर हम तीव्रता भी बता सकते हैं और विभव भी बता सकते हैं। तो माना कि यहां पे हमने विभव ले लिया, तीव्रता का कोई काम नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब यहां समझो, यदि इस मग में पानी भरते जाएं, धीरे धीरे जैसे पानी भरेंगे वैसे वैसे इसका धीरे धीरे वजन भी बढ़ता जाएगा, वेट भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, जब पूरा फुल हो जाएगा तो एक वेट पर, उसके बाद इसका वेट नहीं बढ़ेगा, जब ये पूरा फुल हो जाएगा तो उसके बाद वेट नहीं बढ़ेगा, क्यों, जितनी इसकी कैपेसिटी था पानी भरने की उसने उतना ही पानी भर लिया, इसके बाद क्या कर रहा है, वो बाहर वातावरण में फैला रहा है फालतू का। अच्छा, यदि हमें पानी को स्टोर करके रखना है, पानी को स्टोर करके रखना है, अच्छा, आपके पास ये मग है तो आप उतना ही तो पानी भरोगे जितना इसमें जरूरत है, पूरा भर जाए, ऐसा तो नहीं कि उसमें भरते चले जा रहे हैं, वो फैल रहा है, वो कोई काम का पानी तो बचेगा नहीं, हमें स्टोर करना है। अच्छा, अब इसमें समझो, इसमें क्या होगा, आवेश जैसे ही हमने कुछ दिया पूरे सतह पर समान रूप से फैल गया, हमने आवेश की मात्रा कुछ और दी, यानी कि आवेश को हमने और बढ़ा दिया, जैसे ही आवेश को और बढ़ाएंगे तो यहां पर भी आवेश बढ़ता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पानी बढ़ाने पे पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था, उसी हिसाब से इसका वजन भी वेट भी बढ़ता जा रहा था। अच्छा, यहाँ पे क्या बढ़ता जाएगा, विभव, क्या बढ़ेगा, विभव, जैसे ही यहाँ आवेश की मात्रा बढ़ी, जैसे ही आवेश की मात्रा बढ़ेगी यहाँ पे, वैसे ही विभव का मान भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे यदि आवेश की मात्रा अधिक दे दी जाए, आवेश की मात्रा अधिक हो जाए, तो यहां का जो आवेश है वो बाहर वातावरण में विसर्जित होने लगता है। ठीक है, तो हमें इसमें कितना आवेश देंगे, उतना ही तो आवेश देंगे जितना इसके पास क्षमता है आवेश को ग्रहण करने की, इसमें पानी कितना भरेंगे, जितना इसके पास क्षमता है पानी को ग्रहण करने की। अच्छा, तो फिर धारिता की डेफिनेशन क्या बनती है, तो धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता, क्या, धारण करने की क्षमता, यहां पे पानी का धारण हो रहा है, यहां पे किसका, आवेश का। अच्छा, अब हमें यहां मग्घा बाल्टी पानी का कोई काम नहीं है, तो उसको हम हटा देते हैं, बस इसका तो काम थोड़ा सा समझना था, तो हम समझ गए, आप थोड़ा सा, आप भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अच्छा, अब यहां देखो, यदि हमने आवेश को बढ़ाया तो विभव यानी कि पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, आवेश जो है वो विभव के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अच्छा, ये जो रिलेशन आता है ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखो यहां पे क्यू प्रोपोर्शनल भी है, तो हम जानते हैं जब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहां पे कांस्टेंट सी आएगा। ठीक है, तो यहां पे क्यू बराबर बोल देंगे सी बी, तो यहां से हम सी बराबर क्या लिखेंगे, सी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन बी। ये एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको हमेशा अच्छे से याद रखो, इसको फॉर्मूले को दिमाग में बिल्कुल छाप लो, क्या,
क्यू बराबर सी वी, इन दोनों में से कोई याद रख, एक याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्या करते हैं फॉर्मूले में कभी बी ऊपर कर देते हैं, क्यू नीचे कर देते, तो ऐसा मत करना, ठीक है। एक कोई रिलेशन याद रखो, क्यू बराबर सी वी, सी वी कौन, सी वी रमन वाला सी वी जो होता है वही सी वी है, याद करने का तरीका ऐसे, ठीक है, सी वी रमन वाला सी वी। अच्छा, तो क्यू बराबर सी वी हो गया। अब ये जो सी है, इसका हम जल्दी से मात्रक देखते हैं, क्या देखते हैं, मात्रक, हमने क्या देखना है, मात्रक। तो यहां पे Q का मात्रक, Q क्या होता है, Q का मात्रक कूलाम, और V क्या होता है, वोल्ट। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एसआई यूनिट में, एसआई पद्धति में बात कर रहे हैं, ठीक है, कूलाम बटे यहां पे वोल्ट, ठीक है। यदि ये मात्रक थोड़ा सा बड़ा है तो उसको शॉर्ट में एसआई यूनिट में हम क्या बोलते थे, ये भी एसआई यूनिट में है, ठीक है। तो दूसरा इसका नाम होता है मात्रक का फैराड, ठीक है, ये फेरेट, इसका मात्रक क्या होता है, फेरेट। अच्छा, अब थोड़ा सा और समझो, अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले के बारे में समझो, सी क्या है, ये सी जो कांस्टेंट आया था, इस सी को हम बोलते हैं धारता या वैद्युत धारता। ये वैद्युत धारता किसकी है, ये वैद्युत धारता है चालक की, चालक की भाई क्यों है, तो चालक के अंदर आवेश को धारण करने की जो क्षमता है, यानी कि इसके बाद ये आवेश को धारण नहीं कर पाएगा, ये आवेश कितना भी दोगे ये सारा का सारा आवेश बाहर चला जाएगा वातावरण में, ठीक है, वहां विसर्जित हो जाएगा उनकी गैसों द्वारा, ठीक है। तो हमें यहां पे उतने ही आवेश की जरूरत पड़ेगी जितना आवेश इस ये चालक धारण कर सकता है, बात समझ आई। तो इससे हमें ये पता चल रहा है किसी एक चालक के लिए जो यहां पे सी है वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, किसी एक चालक के लिए, यदि चालक बदलेगा तो हमारा C की जो वैल्यू है वो भी बदल जाएगी, ठीक है। ऐसा ये कांस्टेंट कई बार ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, ठीक है, लेकिन यहां जो कांस्टेंट है वो किसी एक चालक के लिए कांस्टेंट हो। अब हम यहां पर चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, कैसे समझो, यहां पर हमने बोला ये कोई चालक है, आवेश बढ़ाया तो विभव बढ़ गया, इसको अच्छे से दिमाग में रखो। और हमने फिर क्या सीखा कि सी बराबर क्यू अपॉन सी बराबर क्यू अपॉन वी, ये समझा। अच्छा, यहां पर हमें यह देखना है कि जो विभव है, यदि हम किसी तरह से विभव को कम कर दें, किसी भी तरीके से हम विभव को कम कर दें और आवेश को बढ़ा दें, किसी भी तरीके से हम विभव को कम कर दें और आवेश को बढ़ा दें, तो हमारा सी की जो वैल्यू है, सी की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, क्यों, यहां बटे वाली जो यहां पे राशि होती है उसको कम करोगे तो यहां पे मान जो होगा वो बढ़ जाएगा। अच्छा, तो अब हमें ये दिमाग लगाना है कि किस तरीके से कुछ हम ऐसा करें, इसमें चेंजेस करें चालक में, कि उसका विभव कम हो जाए और उसमें आवेश की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पे सी हमें ज्यादा प्राप्त हो जाएगा, क्यों, हमें सी जानते हैं क्या होता है, धारण करने की क्षमता, क्या धारण करने की क्षमता, आवेश को धारण करने की क्षमता, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा करें कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा आवेश को स्टोर कर सकें, तो हम क्या करें, किसी भी तरीके से विभव को कम कर दें, बात समझ में आ रही है। तो आप आवेश को तो ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, आपने क्या किया, विभव कम किया, तो यहां पे कैपेसिटर बढ़ जाएगा, जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा। अब देखो जो कारक हैं इसको प्रभावित करने वाले, मतलब इसको बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, वो कौन से कारक हैं, पहले तो आप क्या कर सकते हैं, जो चालक है इसका आकार बड़ा कर दो, बहुत बड़ा आकार कर दो, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड हो जाएगा, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल पर, पहला कारक क्या है, चालक के क्षेत्र, यानी कि हम चालक का क्षेत्रफल बढ़ा दें, बड़ा कर दें, तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब यदि हमें इसका बड़ा नहीं करना हो आकार, दूसरा तरीका समझो, यदि हम चालक की आकृति बदलें, क्या होता है, अलग अलग आकृतियों के लिए बाहर जो विभव आता है वो अलग अलग आता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अलग अलग आकृतियों के लिए, ठीक है। यदि हमारे पास कोई प्लेट है तो उसकी वजह से बाहर विभव अलग आता है, यदि हमारे पास कोई गोला है उसकी वजह से विभव अलग आता है, खोखला गोला है तो अलग विभव आएगा, यानी कि उसकी आकृतियाँ यदि अलग अलग हैं तो विभव भी अलग अलग मिलता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, चालक की आकृति पर,
अच्छा एक बात समझो, इस लॉकडाउन में कई स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं होगी, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आपके घर में दीदी भैया या कोई फ्रेंड सर्किल में कहीं से किसी भी राइटर की कोई बुक मिल जाए। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या मोस्टली हो रहा होगा कि हम यहाँ पे कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हमने डेरिवेशन किया और कॉन्सेप्ट समझाए। अब यदि कुछ पढ़ना है, कुछ अलग से देखना है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है, तो कहीं से कुछ बुक का अरेंजमेंट कर लें। अच्छा यदि कहीं से बुक नहीं मिलती है, कहीं से भी नहीं मिल पा रही है, तो आप अभी फिलहाल के लिए एनसीईआरटी की जो बुक्स आती हैं उसको ऑनलाइन भी वो उपलब्ध हैं, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में, तो वहाँ से वो डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो यदि नहीं मिल रही हो पीडीएफ फॉर्म तो हमें बताना, तो हम लिंक सेंड कर देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब तीसरा देखो, चालक के समीप, ये जो कोई चालक है इसके समीप कोई दूसरा चालक ले जाएं, ये कैसा हो, अनावेशित हो, इस पर कोई आवेश ना हो। यदि इस चालक को इसके पास में ले जाएंगे तो क्या करेगा, यहां से कुछ आवेश यहां चले जाते हैं प्रेरण द्वारा, ये हम सब पहले जान चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम आवेश की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम किसमें करेंगे, संधारित्र में करेंगे, जब उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, चालक के निकट, दूसरा अनावेशित, चालक ले जाने पर, ठीक है। अच्छा अब चौथा देखो, चालक के चारों ओर के माध्यम पर, समझो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, चालक के चारों ओर के माध्यम पर, ठीक है। अब यदि बाहर का माध्यम कैसा हो, यदि बाहर का माध्यम पता है, माना कि ये कोई मोम रखी है, इसके चारों ओर कैसा है, मोम है, कोई हमारे पास चालक पदार्थ, उसके चारों तरफ कैसा क्या है, मोम है। अच्छा यदि मोम है तो उसका कुछ ना कुछ परावैद्युतांक होगा, माना कि उसका परावैद्युतांक कितना है, के। और हम फॉर्मूले में जानते हैं, क्या जानते हैं, के बी बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0Q/r। अच्छा एक बात समझो यहाँ पे, यदि बिंदु P किसी माध्यम में होता है K परावैद्युतांक वाले, तो हम आपको बता चुके हैं कि वहां पर फिर फॉर्मूले में K लगा देते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ में मल्टीप्लाई में K का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम पहले से जानते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे, यदि आप K की वैल्यू बढ़ाएंगे, यदि यहाँ पे K आ गया, कुछ वैल्यू आ गई, तो इसमें से इसमें भाग हो जाएगा इसकी वजह से। अच्छा तो कुछ भाग होगा तो इसकी वजह से जो b का मान है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। b का मान कैसा हो जाएगा, b का मान कम हो जाएगा। और हमें चाहिए क्या है कि किसी तरह से हम b का मान कम कर दें, जिससे कि हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाए, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं कि बाहर कोई एक माध्यम रख देते हैं, जिससे कि इसका कैपेसिटेंस यानी कि धारिता बढ़ जाती है। और धारिता कितनी बढ़ जाएगी, जितना इसका k का मल्टीप्लाई किया, तो यदि जो k है, k आप यहां ले आओगे तो k इंटू वी, तो ये कितना गुना हुआ, ये k गुना हुआ, तो धारिता कितनी बढ़ जाती है, k गुना बढ़ जाती है। यदि बाहर रखने वाला माध्यम का परावैद्युतांक k है तो इसकी धारिता कितनी बढ़ जाती है, k गुना। तो हम क्या बोलेंगे, चालक के चारों ओर के माध्यम पर, क्या माध्यम पर, यदि माध्यम का परावैद्युतांक k है तो धारिता कितनी बढ़ जाती है, धारिता k गुना बढ़ जाती है। कितनी, यदि पहले धारिता c नॉट थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, k इंटू c नॉट, ठीक है। तो आप उम्मीद है कि कैपेसिटेंस को समझ गए होंगे, क्या धारिता को, अभी सिर्फ धारिता के बारे में समझना है कि धारिता ये बला क्या है। मात्रक भी देखा, आप लोग थोड़ा सा डायमेंशन निकालना निकाल कर देखें, यानी कि बीमा नहीं होगा तो बताना, तो फिर उसको भी सिखा देंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र, कि संधारित्र का निर्माण कैसे हुआ, उसकी रचना कैसे हुई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।